हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजा। दोस्तों, अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा बैंक है जो कि सरकारी बैंक है, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट यहाँ पर जानकारी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप घर बैठे ही बिना बैंक जाए अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी फुल KYC के साथ। तो दोस्तों, आपको इसमें ATM कार्ड भी देखने को मिलता है और चेकबुक भी आपको यहां पर मिलती है, जो कि आपको बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर आसानी से पहुंचा दी जाएगी। तो फ्रेंड, आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाना है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, जैसे ही आप अपनी फुल KYC कम्प्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर और आपकी कस्टमर ID, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या Gmail ID पर सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से आपको अकाउंट को ओपन करना है। फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में आ जाना। दोस्तों, सर्च बॉक्स में आने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड, जैसे ही आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर्च करते हैं तो आपको पहली लिंक यहां पर देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑफिशियल लिंक है इसकी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इंटरनेट बैंकिंग, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ओपन अकाउंट थ्रू Video KYC। तो सिंपल सा आपको इसी बटन पर टैप कर देना है। फिर जैसे ही आप उस पर टैप करते हैं तो कुछ इस प्रकार से एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके सिंपल सा सबमिट कर देना है। दोस्तों, मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर OTP वैलिडेशन का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको सिंपल सा OTP वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर 5 स्टेप में आपको इसको कंप्लीट करना है। तो सिंपल सा में बेसिक डिटेल को अपनी फिल कर लेना है। सर्वप्रथम आपको Gmail ID यहाँ पर डालनी पड़ती है पहले ऑप्शन में। उसके बाद दोस्तों आपका अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गेट OTP पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका OTP आएगा आधार की तरफ से, तो आपको उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है, जो भी आपके पास पैन कार्ड है उस पर देख के डाल देगी। उसके बाद सिंपल सा आपको वेरीफाई पैन पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, उसके बाद आपका यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। सिंपल सा आपको नीचे यहाँ पर सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों, अब हमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल को फिलअप करना है। तो सिंपल सा हम अपना टाइटल चुन लेंगे, श्री श्रीमती कुमारी जो भी हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल सा लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देना है अपना। उसके बाद मिडिल नेम यहाँ पर आप डाल सकते हैं, आसानी से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर लास्ट नेम भी फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट नेम डालने के बाद आपको फादर का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, इंडिया में, तो हम इंडिया यहाँ पर चूज कर लेना है सिंपल सा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एंड प्रोसीड, तो आपको सिंपल सा सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका दोनों ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब फ्रेंड, यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर अपना रिलीजन चूज कर लेना है। हम हिंदू हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी को चूज़ कर लेना है, जनरल SC ST या OBC। उसके बाद दोस्तों आपको ऑक्यूपेशन चूज़ करना है कि आप क्या काम करते हैं, तो सिंपल सा इससे आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर किसी एक को चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एनुअल इनकम भी यहाँ पर फिलअप कर देनी है कि कितना आप एक साल में रुपए कमाते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा सेव कर देना है। सेव करते ही आपका यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें नॉमिनी डिटेल को फिलअप कर लेना है, तो सिंपल सा हम अपना नॉमिनी डिटेल का नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नॉमिनी के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको चूज़ यहाँ पर आसानी से कर लेंगे, यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको नॉमिनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर डाल देना है, जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। अगर माइनर है तो ऐस करेंगे, वरना नो कर देना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड बटन टैप कर देना है। तो हमारे सारे ग्रीन टिक यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल सा आपको सबमिट बटन पर टैप कर देना है। आपको यहाँ पर Video KYC के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप आसानी से अपनी Video KYC कंप्लीट कर सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं आएगी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।